एवरीवन, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फेज एंड फेज डिफरेंस. एंड फ्रॉम टुडे योर सिलेबस फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड. ओके, एंड एज यू नो आर लास्ट चैप्टर इज गोइंग ऑन, एंड आफ्टर दिस चैप्टर आर सिलेबस विल बी फिनिश्ड. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द राइटिंग ऑफ आंसर्स इन एग्जाम. यू ऑलरेडी नो दैट हाउ यू हैव रिटन द आंसर्स. द मैथड ऑफ राइटिंग द आंसर्स वॉज वेरी बैड एंड वेरी चीप बिकॉज आई ऑलरेडी नो एंड द टीचर कैन ऑब्जर्व दिस थिंग दैट हाउ यू हैव रिटन द आंसर योर सेल्फ और बाई गूगल. सो आई हैव observed this thing and I have cut the marks also. So now you have no reason to ask that how and why your marks are cut. Okay, so take care of this thing. अगर आप answer को copy करके या search करके लिख रहे हैं then it is clearly observable there. Okay, so now from next time take care of this. And now I'm going to start the explanation of the topic. So your next topic is phase and phase difference. So already you know that from this topic we'll study about the phase of a wave. And before this topic, one topic was there, the displacement relation for a progressive wave. तो progressive wave का एक displacement relation होता है, and that is written here. उसको हम y से represent करते हैं displacement को, and in bracket we write x comma t. So x is position and t is time. Okay. And the relation is a sine in bracket omega t plus kx plus phi naught. So a is your amplitude. Sine का मतलब होता है पूरी जो angular position होती है, that is written by the sine. Omega यहाँ angular frequency होगी, t time instant, k propagation constant, x is position and plus phi naught अगर लिखा होता है. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि phi naught का मतलब होता है initial phase. अगर जो wave है that is starting from origin, तो हम phi naught इसमें और ऐड कर देते हैं. तो फेज एंड फेज डिफरेंस वर्ड वहाँ आता है जहाँ पर फेज डिफरेंस मीन्स इफ मोर देन वन वेव इज़ ट्रैवलिंग एट अ टाइम. अगर एक साथ दो वेव्स चल रही हैं तो हो सकता है उनकी फेज में डिफरेंस हो. जैसे एक वेव ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है लाइक दिस वन डायग्राम आई एम शोइंग हियर, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी वेव जो है वो इस पोजिशन से स्टार्ट हो रही है या फिर नीचे से स्टार्ट हो रही है. तो अदर देन ओरिजिन अगर एक वेव स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब दोनों की फेज में डिफरेंस है. और अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो दोनों के का जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी ज़ीरो. ओके, तो फेज ऑफ अ वेव सबसे पहले, क्योंकि हेडिंग फेज है तो फेज को एक्सप्लेन करना होगा. यू विल राइट कि फेज जो होती है दैट इज़ अ क्वांटिटी दैट गिव्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेव एट एनी टाइम एंड एट एनी पोजिशन. दोनों चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, टाइम को भी और पोजिशन पर को भी, किस टाइम से स्टार्ट हुई थी और किस पोजिशन पर वेव है, तो ये कहलाती है फेज. फिर रिलेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा वही रिलेशन है जो आपने ड्राइव किया था प्रोग्रेसिव वेव के लिए. तो आपको पता है दो रिलेशन्स आए थे, एक इंसिडेंट वेव का यानी कि जो आगे बढ़ रही है, और एक जो किसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव. तो ये रिफ्लेक्टेड वेव वाला जो रिलेशन है उसमें प्लस आता है दोनों टर्म्स में, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई नॉट. लेकिन जो इंसिडेंट वेव होती है उसका जो मेन रिलेशन है उसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई नॉट आता है. ये है आपकी इक्वेशन नंबर वन. ओके, उसके बाद यहाँ पर फेज जो है जिसको हम एंगल बोल रहे हैं वो कितना पोर्शन है जो साइन के आगे आ रहा है. ओके, तो हम सेपरेटली उसको फाइस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ऊपर वाला रिलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को. और पर्टिकुलर आपको फेज इसमें से अगर निकालना है तो आप लिख देंगे कि इन द अबव रिलेशन फेज ऑफ द वेव इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट. ओके, तो ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है यही आपका रिलेशन है किसका, फेज का, जो आपको फाइंड करना है. फिर ये जो इसके नीचे लिखा है, नथिंग यू हैव टू राइट हियर, जो मैं बता रही हूँ वही नोट्स में लिखना है आपको. और नेक्स्ट टाइम आप जब आंसर लिखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में तो आंसर प्रॉपरली आपके एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए. क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें जितने भी आंसर्स आते हैं
इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट दोज आंसर्स दैट लैंग्वेज मे बी इन योर एकेडमिक सिलेबस, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है एकेडमिक सिलेबस में और कॉम्पिटिशन वाले सिलेबस में. उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती, इसलिए इसमें कोई भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है. लेकिन जो आंसर आपने नेट से सर्च करके लिखे हैं उन आंसर्स में बहुत प्रॉब्लम है. बहुत कम ऐसे आई थिंक 5% स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एकेडमिक सिलेबस से, बुक से, या जो मैंने बताया था उस टाइप के आंसर लिखे हैं. बाकी सब ने मोस्टली जो आंसर लिखे हैं उस सारे के सारे गूगल से सर्च करें हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रूफ है इसका कि लैंग्वेज जो है ना, जो भी आंसर सर्च वाले हैं उनकी लैंग्वेज सबकी एक जैसी है. तो इट इज़ नॉट गुड. मुझे इसको देखकर अच्छा नहीं लगा, आई फेल्ट बैड. और आई होप कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज़ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड. 11th के बच्चे हैं आप, 9th के नहीं हैं, बिलो 9th नहीं हैं. ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है. और कितना भी अच्छा आंसर लिखें, लेकिन अगर गूगल से सर्च करके लिखा है तो उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, डायरेक्टली इट विल बी ज़ीरो. और आप सोचेंगे कि कैसे पता चला, तो वो टीचर इज़ टीचर ऑलवेज, उसको पता होता है कि आंसर कैसे लिखा है. ओके, सो अगेन लिसन द वीडियोज, स्टडी द बुक्स, देन राइट द आंसर्स. ओके, तो अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक फेज के बाद में. फेज, अब आपको पता चल गया अगर आपसे पूछा जाता है फेज क्या है, तो फेज जो है वो ये है. अब आता है फेज चेंज कैसे होता है. तो फेज के रिलेशन में जो टर्म्स आ रहे हैं उनके साथ में फेज का चेंज होगा. तो फेज के रिलेशन में एक तो आ रहा है टाइम और दूसरा आ रहा है पोजीशन. तो अगर पोजीशन चेंज होगी वेव्स की, दो वेव्स चल रही हैं मीडियम में एक साथ तो अलग अलग पोजीशन पर हैं, तो भी फेज चेंज होगा, मतलब फेज में डिफरेंस होगा. अगर टाइम अलग अलग है, टाइम इंस्टेंट अलग अलग है जिसपे ऑब्जर्व किया है, तब भी फेज में चेंज होगा. तो सबसे पहले वी विल ऑब्जर्व द फेज चेंज विद टाइम. सबसे पहले हम टाइम के साथ फेज चेंज को ऑब्जर्व करेंगे. तो ये जो रिलेशन है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फेज. तो अगर आपको फाइंड करना है फेज चेंज विद टाइम, तो देन यू विल डिफ्रेंशिएट द अबव रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तब आपने क्या किया, ये जो ऊपर वाला रिलेशन था इसको आपने डी फाई ओवर डी टी, डी भी यूज़ कर सकते हैं, बट डी रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, तो आप लिखेंगे डेल्टा, क्योंकि जो डेल्टा वाला चेंज होता है दैट इज़ ऑब्जर्वेबल. तो आपने इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करा है, टाइम के, तो आपने लिखा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. तो यहाँ पर थ्री टर्म्स आ रहे हैं, उन थ्री टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन उसी का होगा जिसके साथ में टाइम आ रहा है. तो टाइम किस में आ रहा है, ओमेगा टी में. जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टाइम के साथ में टाइम का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन. तो वट विल बी लेफ्ट देयर, ओमेगा. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम नहीं आ रहा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो. उसके बाद में एक लास्ट टर्म और आ रहा है जिसमें लिखा है फाई नॉट. तो फाई नॉट वाला जो टर्म है आपका, तो फाई नॉट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो होगा. तो क्या बचता है इसमें फेस चेंज विद टाइम में, तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ओमेगा. तो अगर टाइम के साथ फेस चेंज हो रहा है देन रिलेशन बिकम्स दिस. फिर आपको क्या करना है, आपको डेल्टा फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है. तो डेल्टा फाई जब आपने फाइंड किया तो इट विल बी ओमेगा इनटू डेल्टा टी, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2 पाई अपॉन टी और अगेन इनटू डेल्टा टी. सो नाउ व्हाट इज़ हियर, इसमें करना क्या है आपको, 2 पाई अपॉन टी. तो आपको पता है कि जो वेव होती है वो जो वन कंप्लीट टाइम लेती है वन रेवोल्यूशन में, दैट इज़ टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड में टोटल जो उसका फेज चेंज होता है, मींस जहाँ से वो स्टार्ट हुई है और जहाँ तक उसने टाइम पीरियड कंप्लीट किया है वहाँ तक कितना एंगल ट्रेस कर रही है. तो एज यू नो द डायग्राम ऑफ द वेव इज़ लाइक दिस, इस तरह से होता है. तो उसमें टाइम पीरियड जो टाइम होता है वो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का होगा, वन क्रेस्ट प्लस वन ड्रॉ. तो इसमें कितना एंगल ट्रेस होगा, तो दिस एंगल इज़ पाई एंड दिस एंगल इज़ पाई. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 2 पाई. तो यानी कि अगर वो एक टाइम पीरियड के इक्वल टाइम ले रही है तो कितना एंगल ट्रेस करेगी, 2 पाई. तो यही जो रिलेशन है आपका, ये फेज डिफरेंस विद टाइम का है. और अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वी नो द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज़ द टाइम इन विच द फेज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम चेंजेस बाई 2 पाई. तो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कितना फेज चेंज होता है किसी भी पार्टिकल का, 2 पाई. ओके, तो ये रिलेशन है आपका फेज
चेंज विद टाइम का, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे फेस चेंज विद पोजीशन. तो नाउ लुक हियर अगेन एट द रिलेशन. तो व्हेन यू विल सी दिस रिलेशन, व्हेन यू विल सी दिस रिलेशन फेस चेंज विद पोजीशन, तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर से आपके पास जो रिलेशन था डेल्टा फाई वाला, उसी रिलेशन को आप फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन. तो अब की बार आपको किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में करना है. ओके, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फेस चेंज विद पोजीशन. तो नाउ डिफरेंशिएटिंग द अबव रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन. तो जब आपने इसको पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आपको पता है कि बस एक ही टर्म ऐसा आ रहा है जिसमें पोजीशन है, और वो टर्म है आपका के एक्स माइनस के एक्स. तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स जब आपने किया, देन द रिमेनिंग टर्म विल बी के. तो यहाँ बचता है माइनस के. अब आपको क्या करना है, फेस चेंज फाइंड करनी है. तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, और के जो होता है दैट इज़ नोन एज प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट. उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ. तो अब यहाँ पर आपको 2π को किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है, वेवलेंथ के. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इन दिस डायग्राम टाइम पीरियड वो टाइम था जिसमें कि फेस चेंज कितना हो रहा था, 2π का. अब यहाँ आप बोलेंगे कि जितना टाइम पीरियड के इक्वल टाइम है वही वेवलेंथ कहलाती है, क्योंकि वन ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस वेव कवर करती है दैट इज़ नोन एज इट्स वेवलेंथ. तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 2π. तो पता है आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वेवलेंथ, वो जो है वो किन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है जिनके बीच में फेज डिफरेंस जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 2π होगा. तो यहाँ भी अब आपको इतना ही लिखना है एंड दिस यू विल लीव. ओके, तो ये टॉपिक आपका फेज एंड फेज डिफरेंस आपको नोट डाउन करना है. उसके बाद आता है पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो पार्टिकल वेलोसिटी और पार्टिकल एक्सेलरेशन को आपको एक्सप्लेन करना है. तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी के लिए अब फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ही चाहिए होगा, लेकिन वो रिलेशन आपको चाहिए होगा जिसमें कि इनिशियल फेज नहीं आ रही है. तो पहले हम पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, कि इट इज़ द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देअर मीन पोजिशंस, इतना लिखना है. तो आपको पता है कि पार्टिकल वेलोसिटी वही होती है जिस वेलोसिटी से वो मीन पोजिशन के अराउंड वाइब्रेट करता है. ओके, तो देखिए एक बार हम रिलेशन इसका देख लेते हैं. तो इस रिलेशन में पार्टिकल वेलोसिटी को कहाँ से स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से. तो ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इक्वेशन नंबर 1. अब इसको क्या किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है. तो dy/dt ये रिलेशन आया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. उसके बाद क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को तो वो सेम ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए. अब ये साइन में लिखा है, ये कॉस में लिखा है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 में फिर से साइन में कन्वर्ट किया गया. और कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि साइन 90+θ जो होता है दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा. तो ये जो कॉस थीटा है इसको हमने कॉस हटाने के लिए लिख दिया साइन 90+θ. तो देखिए साइन लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, वैसे ही लिखा है, और प्लस क्या कर देंगे आप 90, तो 90 मीन्स π/2. तो अब आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 1 दोनों ही वेलोसिटी, दोनों ही जो है वो रिलेशन साइन के टर्म्स में है, और एक रिलेशन इक्वेशन 1 डिस्प्लेसमेंट का है, और 3 क्या है वेलोसिटी का. तो अब आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको एक बात सबसे पहली पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, बतानी होगी कि वाइल द वेव वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, जबकि पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज करती रहती है सिंपल हार्मोनिकली, क्योंकि वेव वेलोसिटी में साइन या कॉस का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है जबकि पार्टिकल वेलोसिटी में आ रहे हैं. दूसरी बात, पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट से π/2 रेडियंस अहेड है, क्योंकि इसमें π/2 ऐड हो रहा है. तीसरी बात यह है कि मैक्सिमम जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो कितनी है. तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए जो साइन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, +1. तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा ए, बाकी सारे टर्म्स जो हैं आगे के +1 हो जाएंगे. तो ओमेगा ए मीन्स 2π/T (a). तो जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है दैट इज 2π/T टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ओके, और पार्टिकल. तो ये रिलेशन आपका जो है वो आता है वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी के लिए. सो हियर वी आर फिनिशिंग, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न. ओके, थैंक यू.